प्रभा जी, एक सवाल से मैं अंतिम आपका वो करना चाह रहा था। पटना में जो सम्मेलन होगा या बैठक होगी, केजरीवाल को क्या बुलाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि वो तो कांग्रेस उसमें शामिल है। नहीं, हो सकता है बुला लें, बुलाना भी चाहिए, कोई बुलाने में आपत्ति नहीं है, कोई बुलाने क्या परहेज क्यों होना चाहिए अभी। पर जैसे बेंगलोर में नहीं बुलाया गया था, अपन हम एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेंगलोर में उनको नहीं आमंत्रित किया गया था, कई और भी लोगों को, केसीआर को नहीं आमंत्रित किया गया था, जबकि कर्नाटक से लगा हुआ तेलंगाना में कांग्रेस लड़ने वाली है। वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय जब गए थे तब वो घोषणा करके आए थे कि हम यहाँ से लड़ेंगे, और ये केसीआर जानते हैं। तो तेलंगाना में, मतलब जब वो अविभाजित आंध्र प्रदेश था और कांग्रेस की सरकारें रही है वहां, तो तेलंगाना को वो कैसे केसीआर के लिए कैसे छोड़ सकती है कांग्रेस, या आंध्र में कैसे छोड़ सकती है। तो ये बुलाने का कोई, ना बुलाने का कोई कारण नहीं है, पर आम आदमी पार्टी के वहां जाने का कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए कि कांग्रेस उनके स्टैंड को एंडोर्स नहीं कर रही है। मैं देखिए एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 मिनट आपके पास है नहीं शायद। नहीं बिल्कुल, हाँ हाँ बोलिए जी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में बहुत डिबेट में चलता रहता है। अब नीतीश कुमार को तो हम बहुत, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 74 से जानते हैं। नीतीश कुमार एक बड़े गहरे संकट में पड़ गए हैं, और वो संकट ये है कि अगर एक मोर्चा अलग बनता है जिसमें कि अखिलेश हैं या केसीआर हैं या केजरीवाल और ममता हैं और भी लोग हैं, तो जिस नीतीश कुमार को किस मोर्चे में रहना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार क्या कांग्रेस के मोर्चे में रहकर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर भी कह रहा हूं, कि अगर ये तमाम लोग साथ हो जाएं एक एक ही विपक्षी मोर्चे में, तो नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा, नीतीश कुमार स्टेब्लिश कर सकते हैं, कि ममता भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, केसीआर भी नीतीश कुमार के साथ। ये बड़ा संकट है ये, कि जो नीतीश कुमार की जो प्रॉब्लम है, जो इन्होंने पूछा, सतीश के सिंह ने या किसने पूछा कि वो बेंगलोर से आए सीधे आम आदमी पार्टी के पास क्यों गए, नीतीश कुमार इस पूरी तरह से प्रयास में हैं कि अखिलेश भी आ जाए, आम आदमी पार्टी भी आ जाए, केसीआर भी आ जाए, ममता भी आ जाए, एक जो मोर्चा नीतीश कुमार की कल्पना का विपक्षी मोर्चा है, उसमें एक नेता के तौर पर, वैकल्पिक मोदी के वैकल्पिक नेता के तौर पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में नीतीश कुमार को ज्यादा आसानी है, बजाय मोदी, ममता, अखिलेश, केसीआर, केजरीवाल माइनस जो विपक्षी एकता बनती है उसका जो नेतृत्व है वो तो राहुल गांधी और कांग्रेस के पास रहने वाला। तो ये एक संकट बहुत बड़ा है। और दूसरा संकट ये है कि तेजस्वी यादव 100% राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, वो अखिलेश या आम आदमी पार्टी या ममता के साथ नहीं खड़े होंगे। बिहार की पूरी राजनीति जो है इस समय, कहने की जरूरत नहीं है कि वो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, मतलब उनका प्रभाव क्षेत्र है वहां, जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है वहां, और भाजपा से टक्कर भी वही तेजस्वी ले रहे। और आप ट्विटर हैंडल पर अगर जाएं तो लालू यादव के नाम से या लालू यादव की ओर से जो ट्वीट्स आते हैं आप उसको देखें, तो आप पाएंगे कि
जो पूरा का पूरा फोकस है वो किस तरफ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय, हालांकि अभी सुनील एम जी ने फिर इस चीज को दोहराया है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, हमारी हम चाहते ही ऐसा हो जाए, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण और आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल है उनका मूल चरित्र न तो विपक्ष के साथ काम करने का है, न अपनी पार्टी में विपक्ष को जिंदा रहने देने का है। आप अगर देखें कि आम आदमी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस तो अब नहीं बताना चाहता क्योंकि टाइम नहीं है, शायद पहले कभी बताया होगा जी, पर जिस तरह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और इन तमाम लोगों को उन्होंने, जो रियल विपक्ष और डेमोक्रेटिक विपक्ष था, सेकुलर विपक्ष था, उसकी छुट्टी की उन्होंने, आशुतोष भी शामिल कर लीजिए उसमें, सुनीलम जी को भी शामिल करना चाहिए। नहीं, सुनीलम जी तो, सुनीलम जी तो अभी पार्टी में नहीं थे, उनके हाँ मोर्चे आंदोलन में साथ में थे, ये खैर पार्टी के साथ, पार्टी के साथ नहीं है। तो हम भी वही रामलीला मैदान पे ही बने रहते थे, पूरे टाइम मंच पे बने रहते थे, तो हम भी गुनाहगार हैं उस पूरे की पूरी प्रक्रिया के। और हमने बड़ी उनकी तारीफ में उस समय लिखा है, काफी फ्रंट पेजर्स लिखे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये अब आप इस पूरी की पूरी विपक्ष की प्रक्रिया को, विपक्ष की राजनीति को एक अलग दिशा में जा रही है, बहुत पॉजिटिवली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी ट्रक पे बैठ के जा रहे हैं और खोमचे वालों के साथ खा रहे हैं और पता नहीं वो आदमी क्या क्या कर रहा है। वो जैसे वो अमेरिका में ओबामा पिज्जा खाने चला जाता है ना, वो ये अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी और एक लंबी यात्रा करने वाले वहां के सैकड़ों लोगों के साथ पूरे अमेरिका में। तो और वो ये हमारे जो सुनील नम जी के मोदानी जी जब जाएंगे उसके पहले जाने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अम्बरीश जी कि इन लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, अम्बरीश, ये केजरीवाल को, अखिलेश को, ममता को, ये लोग चाहते ही नहीं है विपक्ष इनके पास, इनके सामने जिंदा रहे। और ये जब विपक्ष सामने होता है तब ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं करते, मतलब ये भी है ममता के लिए कि वो उनके लिए जो विपक्ष है वो भाजपा भी वही है और कांग्रेस भी वही है। तो इसलिए ये एक तीसरा मोर्चा अगर बने कोई हर्ज नहीं, पर तीसरे मोर्चे की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, ये दिक्कत है। क्रेडिबिलिटी के नाम पर आज जो क्रेडिबिलिटी उद्धव के साथ है, जो शरद पवार के साथ है, जो राहुल के साथ है, जो सोरेन के साथ है, जो स्टालिन के साथ है, वो इनके साथ नहीं बनेगी। तो ये जो एक अलग समूह है, स्टालिन का, उद्धव का, पवार का, सोरेन का, ये और फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का, अगर आप, और या येचुरी का, या डी राजा का जो वहां बेंगलोर में थे, इनकी प्रोफाइल को अगर आप कंपेयर करेंगे इन लोगों से जो ममता या केजरीवाल, अखिलेश, केजरीवाल, आप जयंत चौधरी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है उसके साहस के बारे में कि वो इतना इतना वहां का, विदेश का, लंदन का पढ़ा लिखा आदमी, जबरदस्त पढ़ा लिखा आदमी है, आप सोचिए तो सही कि वो फैसले वैसे ही ले रहा है जैसे कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में लेते हैं, वैसे ही वो जयंत चौधरी ले रहा है। ये राजनीति एक अलग मोल्ड में चली गई है और दिक्कत क्या है कि सुनील एम जी हमको अभी भी वो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव और अखिलेश यादव के परिवार में अटकाए रखना चाहते हैं। निकाल दीजिए सुनीलम जी, आप भी निकाल दीजिए, हम तो निकाल चुके हैं, आप भी निकाल दीजिए। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि कभी कभी प्रोफाइल को लेकर के बातचीत हो जाए कि किसका प्रोफाइल बेहतर है और किसने बेहतर परफॉर्म किया है, कभी इस पर चर्चा हो जाए।